बीएससी तृतीय सत्र के विद्यार्थियों को स्वागत है और मेरे तरफ से नमस्कार। तो विद्यार्थियों, तो हमने आधे अधूरे नाटक का परिचय तो देखा, इसमें आने वाले पात्रों के बारे में भी देखा और इसके नाटककार कौन है, मोहन राकेश है, इनके बारे में भी देखा है। तो विद्यार्थियों, काले सूट वाला आदमी और स्त्री का एक पात्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है, क्योंकि काले सूट वाला आदमी ही क्या करता है, चार पात्रों का यहाँ पर व्यक्तित्व निभा रहा है। और स्त्री, ये काले सूट वाला आदमी का नाम है महेंद्र सिंह है, और इसका जो पत्नी है वो स्त्री है, सावित्री है, तो नाम है उसके सावित्री है। तो यहाँ पर नाटक शुरुआत हो गई है, नाटक का मंच रचा गया है और स्टेज पर सिर्फ यहाँ पर काले सूट वाला आदमी का ही क्या होता है, पात्र आता है। जो प्रारंभ में काले सूट वाला आदमी का पात्र आता है तो उसके हाथ में एक सिगारेट है और सिगारेट को पीते हुए आता है, सोफे पर बैठ जाता है, लाइट सब क्या हो जाते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि नाटक शुरुआत हो गई है, प्रेक्षक लोग सब बैठे हुए हैं, नाटक को देख रहे हैं। तो नाटक में क्या क्या है, एक तरफ एक किचन है, हॉल है, हॉल में क्या क्या चाहिए वो सब रखे हैं, बुक्स का सेल्फ रखे हुए हैं और एक बेडरूम है, सब को क्या करें, आलोकित कर रहे हैं। तो लाइट के फोकस करके क्या करें, क्या क्या है वो सब क्या करें, फोकस कर रहे हैं। तो काले सूट वाला आदमी क्या करता है, मुंह में एक सिगरेट लेकर बैठता है, तो कुछ सोच रहा है, तो क्या सोच रहा है देखते हैं। तो मोहन राकेश ने बहुत ही सुंदर रूप में क्या किया है, नाटक को, आधे अधूरे नाटक को प्रस्तुत किया है। तो पहले ही बता चुकी थी कि आधे अधूरे यानी बिखरे हुए रिश्ते, तो इन सभी जो पात्र है, माँ बेटी, बेटा पति पत्नी, जो मित्र हैं, इन सब के बीच में रिश्ते क्या हो गए हैं, बिखर गए हैं। तो किस तरह बिखर गए हैं मोहन राकेश ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है वो देखते हैं। तो जैसे कोशिश से अपने को एक दायित्व के लिए तैयार करते हुए खड़ा है, सोफे से उठ जाता है, कौन उठ जाता है, काले सूट वाला आदमी, जो काला सूट पहना है उसका जो पैंट शर्ट सब काला ही है, वो पहन कर क्या किया है, सोफे के ऊपर बैठा है और हाथ में सिगारेट है, और ऐसे अचानक कुछ विचार उसके दिमाग में आते हैं, कुछ दायित्व के लिए मेरा कुछ कर्तव्य है, मुझे कुछ कर दिखाना है, ये सोचकर क्या करता है, खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है। देखो क्या सोचता है, हाँ, प्रेक्षक लोगों को बता रहा है, क्या बता रहा है, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर काले सूट वाला आदमी बता रहा है कि मैं नहीं जानता आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, ये सब आप क्या सोच रहे हो मेरे बारे में पता नहीं, क्या आशा कर रहे हैं, जो मेरा यहाँ पर व्यक्तित्व है, जो मेरा यहाँ पर इस स्टेज पर, इस मंच पर जो मेरा व्यक्तित्व है, इससे आप क्या आशा कर रहे हैं, क्या उम्मीद रख रहे हो, मुझे कुछ भी पता नहीं है। और बताते हैं कि इस नाटक में एक में अनिश्चित इकाई हूँ, अनिश्चित इकाई, इकाई यानी लेसन, तो यहाँ पर मेरा जो पात्र है मेरा निश्चित पात्र नहीं है, क्या है, अनिश्चित है, क्योंकि एक ही आदमी क्या करता है, चार पात्रों को निभा रहा है, तो इसलिए मेरा पात्र यहाँ पर निश्चित नहीं, अनिश्चित है। और आप शायद सोच रहे होंगे ये व्यक्ति यहाँ पर स्टेज पर खड़ा है, इसका कोई इम्पोर्टेंट रोल होगा, पात्र होगा, अभिनेता होगा, प्रस्तुत करता होगा और कुछ होगा, आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा पात्र अनिश्चित है, यही बताने का प्रयास करता है। और परंतु मैं अपने संबंध में ही अनिश्चित हूँ, वैसे ही ये नाटक भी क्या है, एक अनिश्चित है, जिस तरह मेरे संबंध में, मेरे पात्र में जिस तरह मैं अनिश्चित हूँ, वैसे ही ये आधे अधूरे नाटक भी क्या है, एक अनिश्चित है। और इस नाटक के संबंध में कुछ भी नहीं कह सकता मैं, इस नाटक के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, और अनिश्चित होने के कारण यह है कि परंतु कारण बताना जरूरी नहीं है। यहाँ पर अनिश्चित क्यों हूँ, मेरे संबंध में मैं अनिश्चित क्यों हूँ, ये बताना जरूरी नहीं है, हर एक चीज के लिए कारण होना जरूरी नहीं है, इस तरह बताता है। और जब मैं अपने ही संबंध में निश्चित नहीं हूँ तो और किसी चीज के कारण आकरण संबंध में निश्चित कैसे हो सकता हूँ, तो यहाँ पर बता रहा है, क्या बता रहा है, मेरे संबंध में ही मैं अनिश्चित हूँ, निश्चित नहीं हूँ, तो दूसरे में क्या मैं बताऊँ,
निश्चित और अनिश्चित इस तरह सिगरेट फूंकते हुए क्या करता है, बोलता है। फिर सिगार के कश खींचता है, पल भर सोचता सा खड़ा रहता है। ये सब बातें होने के बाद क्या करता है, फिर से क्या करता है, सिगार की एक कश को अंदर खींच लेता है। सिगार को क्या करता है, अंदर खींच लेता है, जो धुआं है उसको अंदर खींच लेता है। फिर से क्या करता है, बाहर छोड़ता है और जो सिगरेट का राख रहता है उसको क्या करता है, झाड़ देता है। और यहाँ पर बताता है, प्रेक्षक लोगों को बता रहा है, क्या बता रहा है, मैं वास्तव में कौन हूँ। यह एक ऐसा सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। क्या क्वेश्चन मार्क है, मैं वास्तव में, वास्तव यानी कि रियल में, सत्य, तो वास्तव में मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस मंच पर जो भी मैं हूँ वो मैं बाहर नहीं हूँ, और बाहर मेरे जीवन में जैसा हूँ वैसे मैं यहाँ पर नहीं हूँ, बिल्कुल अलग हूँ। तो यहाँ पर एक काले सूट वाला आदमी बताता है कि जिस तरह नाटक के मंच पर मैं एक पात्र को निभा रहा हूँ, यहाँ पर जो मेरा पात्र है, इस तरह का पात्र मेरे नीति जिंदगी में नहीं हूँ, बिल्कुल भी अलग हूँ, और मेरे रियल जिंदगी में जैसा हूँ वैसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हूँ, इस तरह बताता है। शायद अपने बारे में इतना कह देना ही काफ़ी है, इतना कहना मेरे लिए क्या है, काफ़ी है, इस तरह कहता है। और फॉर एग्जाम्पल बताता है, प्रेक्षक लोगों को बता रहा है, क्या बताता है, शायद एक सुनसान रास्ता है, मैं चला जा रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ, और आगे से आप आ रहे हो और एक दूसरे को टकरा जाते हैं, अजनबी है। यहाँ पर काले सूट वाला आदमी भी अजनबी है और दूसरा व्यक्ति भी अजनबी है, एक दूसरे को पहचानते नहीं है, बिल्कुल अजनबी है। टकराने के बाद घूर कर सिर्फ देखते हैं, क्या बातचीत करते हैं कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, क्या करते हो, ये पूछते हैं क्या, नहीं पूछते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, घूर कर देखते हैं। तो ऐसा ही मेरा और आपका रिश्ता है। तो यहाँ पर दोनों, हम दोनों क्या है, इस मंच पर हम पात्र निभा रहे हैं, मैं भी अजनबी हूँ और आप लोग भी अजनबी हो, इस तरह बताता है। और यहाँ पर कमरे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में टहलने लगता है, इतना बताता है, और क्या करता है, कमरे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, दूसरे हिस्से से इस हिस्से में क्या करता है, टहलने लगता है। क्यों टहलने लगता है, कुछ सोच रहा है, विचार कर रहा है, हाथ में सिगरेट है और अपने कुछ दायित्व के लिए करना है, तो इस तरह सोचकर क्या करता है, वॉक करता है इधर से उधर, उधर से इधर, क्या करता है, टहलने लगता है और कुछ सोच रहा है। और यहाँ पर मैंने कहा था यह नाटक भी मेरी ही तरह अनिश्चित है, उसका कारण भी यही है कि इसमें हूँ और मेरे होने से सब कुछ इसमें निर्धारित या अनिर्धारित है। तो यहाँ पर मैंने कहा था, पहले ही कहा था, क्या कहा था, ये नाटक भी मेरी तरह क्या है, अनिश्चित है, इस तरह कहा था। और यहाँ पर इस नाटक में एक स्त्री का पात्र आता है, इसके साथ मेरा जो संबंध है वो दूसरे पात्र भी अच्छी तरह से निभा सकता था और मैं स्त्री के रूप में भी निभा सकता हूँ। तो यहाँ पर जो नाटक करने के लिए अलग अलग गुणों की आवश्यकता होती है, तो एक दूसरे में होंगे, तो इसलिए मैं काले सूट वाला आदमी का यहाँ पर पात्र निभा रहा हूँ, तो मुझे देंगे तो मैं स्त्री का भी निभा सकता हूँ, अशोक का भी निभा सकता हूँ, या जुनेजा का भी निभा सकता हूँ। अगर जुनेजा मेरा भी व्यक्तित्व निभा सकता है या स्त्री का भी निभा सकता है, तो इस तरह यहाँ पर काले सूट वाला आदमी बोलता है। और फिर दर्शकों के सामने आकर खड़ा हो जाता है, सिगार मुंह में लिए पल भर ऊपर की तरफ देखता रहता है। तो फिर से क्या करता है, टहलने लगता है और खड़ा रहता है, और दर्शकों के सामने, प्रेक्षक के सामने आकर खड़ा रहता है, और सिगार को क्या करता है, झाड़ता है और मुंह से निकाल कर झाड़ता है, उफ करता है झाड़कर, और हाँ के स्वर के साथ सिगार मुंह से निकाल देता है। इन इतने सारे उसके दिमाग में विचार है और उसको क्या करता है, निकाल देता है, सिगार को निकालते हैं और हाँ कहकर क्या करता है, सिगार को झाड़ देता है, उसकी राख को झाड़ता है। तो इस तरह यहाँ पर इसका एक पात्र शुरुआत हो जाती है, और अभी हल्के अभिवादन के साथ, संगीत के साथ क्या हो जाती है, लाइट सब क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और उसका चेहरा धुंधला हो जाता है, क्योंकि इसका पात्र हो जाने के बाद स्त्री का पात्र आता है। स्त्री कौन है, सावित्री, इसकी पत्नी है और वह दफ्तर से आने वाली है, तो इसलिए यहाँ पर इतना काले सूट वाला आदमी का पात्र खत्म हो जाता है,
लाइट सब ऑफ हो जाते हैं, धीरे धीरे से ऑफ हो जाते हैं, उसका चेहरा उसका व्यक्तित्व धुंधला जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। और बाद में स्त्री का प्रस्तावन या प्रस्थान आता है तो आ जाती है। सुबह से लेकर शाम तक उसके चेहरे के ऊपर थकावट है क्योंकि वो दफ्तर में काम करती है, इतने सारे टेंशन रहता है, जो फाइल है हाथ में फाइल है और जो घर के सामान कुछ खरीद कर लाई है, तो इतने थकावट के साथ क्या करती है, अंदर आती है और एक नज़र कमरे को देख लेती है, नज़र डालती है कमरे के ऊपर क्योंकि घर में अकेला काले सूट वाला आदमी है, पति है घर में और घर को कैसे रखा है, घर का हालत क्या बना कर रखा है, इस तरह क्या करती है सोचती है, क्योंकि टिपाई है, टिपाई के ऊपर क्या पड़े हुए हैं, एक स्कूल बैग पड़ा हुआ है ओपन है, किताब सब बाहर निकले हुए हैं और एक तरफ सोफे पर कटे हुए मैगजीन पिक्चर्स कैंची ये सब पड़े हुए हैं और एक तरफ कुर्सी है, कुर्सी के झूले पर पैजामा झूल रहा है, जो इस व्यक्ति का पैजामा झूल रहा है, इन सब चीजों को देखती है और अपने हाथ में जो सामान था उसको क्या करती है, टेबल के ऊपर पटक देती है, उफ करके क्या करती है, बैठ जाती है, क्योंकि सुबह में 10 बजे दफ्तर चली गई हूँ और शाम को आई हूँ 5 बजे, तब तक घर का हालत कैसे बनाया, ये आदमी घर में रहकर घर का हालत सुधार नहीं सकता क्या, इस तरह वो सोचने लगती है और अपने थकावट निकालने के लिए क्या करती है, बैठ जाती है। तो विद्यार्थियों इतना आज के कक्षा में काले सूट वाला आदमी और स्त्री का क्या हो गया, यहाँ पर पात्र बताया। और कल के अवधि में या कल के कक्षा में हम देखेंगे कि स्त्री किस तरह अपने पति के साथ व्यवहार करती है, बातचीत करती है, ये देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।